सीतारामपुर एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है आसनसोल के पास। तो आइए आज मैं आपको सीतारामपुर से धनबाद के ट्रेन जर्नी पर लेकर चलता हूँ। आज की खूबसूरत ट्रेन की जर्नी स्टार्ट होती है छोटे से रेलवे स्टेशन सीतारामपुर से धनबाद की, जिसकी दूरी 48 किलोमीटर है और ट्रेन लगभग एक घंटे लेती है पहुंचाने में। तो ट्रेन की जर्नी स्टार्ट होती है आसनसोल वाराणसी मेमो लोकल ट्रेन से, जो एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है। ट्रेन का किराया सीतारामपुर से धनबाद का 20 रुपये है। झालमुड़ी स्नैक्स जो पफ राइस से बनता है बहुत पॉपुलर है वेस्ट बंगाल का। झालमुड़ी रेसिपी बनता है पफ राइस से, मूंगफली से, चने से, उबले आलू से, टमाटर से, प्याज से, हरी मिर्च से, मस्टर्ड ऑयल से, थोड़ा साल्ट से, थोड़ा रेड चिली पाउडर से, थोड़ा अचार के मसाले से। तो एक बहुत ही टेस्टी स्नैक्स बनता है झालमुड़ी इन सब चीज़ों को मिक्स करने से, और बहुत ही चीप और रिजनेबल भी होता है। ट्रेन में इस तरह के बहुत सारे फूड वेंडर अलग अलग तरह के फूड आइटम बेचते हैं, जिसे आप ट्रेन में बैठे बैठे इंजॉय कर सकते हो चीप प्राइस पर। ये ट्रेन सीतारामपुर होते हुए अगला स्टेशन कुल्टी, बराकर, कुमार डुब्बी, मगुमा, थापुर नगर, काला बथान, छोटा अंबर, दुर्बोरा हाल्ट होते हुए धनबाद तक पहुंचती है एक घंटे। ट्रेन में बैठने के लिए सीटिंग अरेंजमेंट 3x2 होता है, एक तरफ 3 पैसेंजर और दूसरी तरफ 2 पैसेंजर के बैठने की जगह होती है। ये ट्रेन लगभग सभी छोटे बड़े स्टेशनों पे आधे सेकंड से लेके एक मिनट तक का स्टॉपेज होता है पैसेंजर को उतरने के लिए और चढ़ने के लिए। ट्रेन में सफ़र के दौरान ट्रेन का साउंड और इसकी चाल एक अलग तरह की पॉजिटिव एनर्जी देती है शरीर में, और बाहर का नज़ारा भी देखने में बहुत खूबसूरत होता है। और ये ट्रेन एक घंटे की यात्रा तय करने के बाद लगभग धनबाद रेलवे स्टेशन की तरफ पहुंच रही है। धनबाद एक बड़ा रेलवे जंक्शन और स्टेशन है झारखंड राज्य का। यहां से होकर बहुत सारी ट्रेनें गुजरती है दिल्ली के लिए, हावड़ा के लिए, पटना के लिए और भी बहुत सारे रूट के लिए।
यदि ये वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।